भाई साहब हमें इस टाइम खुद नहीं पता हम किस जगह पे हैं और मतलब आगे कितना रह चुका है, बस समझ लो कि वी लॉस्ट इन माउंटेन्स, ये वाला सीन चल रहा है। भाई साहब क्या करना है, चलें आगे? चलते हैं ना ऊपर। तो बस ऊपर जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। हेलो इलो बॉय। Assalamualaikum, finally we are back with another vlog. कैसे हैं आप सब? एंड बाकी सब बातें करते हैं लेकिन अभी हम लेट हो रहे हैं तो पहले हमें निकलना पड़ेगा जल्दी से। भाई बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और लाइफ के अंदर और भी बड़े मसले मसाइल चल रहे होते हैं, तो भाई कभी कभी व्लॉगिंग को साइड पे करके लाइफ के मसले हल करने पड़ते हैं, बट एंड में समझ आता है कि भाई हाँ व्लॉगिंग ही ठीक है, वहीं सेट है। खैर रावलपिंडी क्रॉस करके हम इस्लामाबाद में आ चुके हैं और ये रही यहाँ की सबसे महंगी जगह, जी हाँ पेट्रोल पम्प। मंजिल जो है वो मुझे पिक करने आ गया था और हम जल्दी से निकल रहे थे। भाई शक्ल दिखाएं अपनी यार थोड़ी, ठीक है? तो बाकी इसकी पूरी शक्ल भी आपको बाद में दिखाएंगे लेकिन अभी हम दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव जगह पे आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल डलवाते हैं पहले। अभी भाई साहब ने नाश्ता नहीं किया तो इसको कुछ खिला देते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। चलो भाई खाना पीना हमारा हो गया तो अब ये वापस पैक हो रहा है, अब हम निकलते हैं फिर दोबारा ऊपर जाते हैं और अभी हमें प्रॉपर पॉइंट नहीं पता कि हम किस पॉइंट तक जाएंगे लेकिन फिलहाल बस सोचा हुआ है कि जाएंगे तो मरी तो एटलीस्ट मिनिमम है, उससे आगे देखो कहाँ तक जाते। सच बताऊं तो यार इस व्लॉग को करने का भी मूड नहीं था बट मेरे दोस्त ने फोर्स किया कि नहीं तू बना ही बना, तो फिर मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया और मैंने इसको बनाना शुरू किया। मैंने कहा चलो बनाते हैं और ऑडियंस को भी वापस जगाते हैं। यहाँ पे हम रुके हैं कुछ खाने को भी ले लें और टाइम बच चुका है 11 का, तो हमने कहा छोटा मोटा स्टे भी कर लें, बाइक को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए और हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो भाई ये चीज़ें जो अभी हमने फिलहाल खाने पीने के लिए पकड़ ली हैं, खाना तो हमने अपने जिस भी जगह पे जाएंगे वहाँ जाके ही खाना है लेकिन ये वैसे ही बस खाने पीने के लिए भी पकड़ ली है। भाई जान हेलमेट उतार दें, कुछ बूथी दिखा दें अपनी यार। नहीं वो नज़र लग जाती है। चल झूठा। चलो भाई अब हम फिर से यहाँ से चलने लगे हैं। चल भाई चले। तो खैर मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुकी थी, व्लॉगिंग और वीडियोस के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ और भी टेंशन्स होती हैं बट कभी कभी आपको टेंशन्स और परेशानियां सब कुछ छोड़ के ना आपको जो चीज़ पसंद है आपको वो काम कर लेना चाहिए। खैर इसी के साथ साथ आज हम एक्सप्रेस हाईवे वाली साइड से आए थे तो वो हमने क्रॉस किया, अब हम मेन मरी चौक में एंटर हो चुके हैं बट हमने मरी तो जाना नहीं है माल रोड, तो हम लोग ज़रा आगे वाली साइड पर जाते हैं और हम लोग अब निकल आए हैं अयूबिया वाली साइड पर। अयूबिया और नथिया गली की तरफ ये रोड जाती है, हमने कहा चलो आज आगे की तरफ जाते हैं जहाँ तक भी हमारा दिल हुआ वहाँ तक हम जाएंगे। खैर भाई अगर बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, इवन हम अयूबिया के बहुत करीब हैं कोई बर्फ़ नहीं है। और ठंड की अगर बात करें तो भाई बड़ी ही हैवी किस्म की ठंड थी, बहुत ही हैवी किस्म की, मतलब कि मैं पीछे पूरा फ्रीज़ हुआ हुआ था, अंजल भी आगे बाइक चलाते हुए फ्रीज़ हो रहा था और ख़ास तौर पर जब मोड़ आते हैं ना जहाँ पर आपके दरख्त ही दरख्त हैं यहाँ पर बड़े लेवल की ठंड लगती है, बट धूप होने की वजह से ठंड का लेवल थोड़ा सा कम था, अगर ये धूप आज ना होती तो भाई अच्छी खासी से भी बहुत ज्यादा की ठंड होनी थी। तो भाई हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ये नथिया गली वाली साइड पे हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ मजे का बैकग्राउंड था और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो मैंने कहा एक तो हम थोड़ी सी धूप लगवा लें, बालों की हालत आई ना खराब होगी बट उसको हम सही कर लेंगे किसी पॉइंट पे पहुंच के। तो अभी बस आगे निकलते हैं यार, 12:30 का टाइम भी हो गया है लेकिन मैंने कहा आपको थोड़ा व्यू भी दिखा लें और थोड़ा सा हम रेस्ट भी कर लें। हेलो इलो, अबे रोमांस हो रहा है, एक मिनट रुक। फिर चेक करो बंदर ही बंदर चेक करो। अभी हम जो है वो जा रहे हैं अयूबिया वाली साइड पे, हमने कहा कि अयूबिया का पॉइंट पहले देख लें और उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि आगे नथिया गली जाना है या नहीं जाना। अयूबिया पॉइंट पे हम लोग इस टाइम पहुंच चुके हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोचा कि अभी हम नमाज पढ़ लें देन उसके बाद मिलते हैं। भाई अभी हम लोग जो है जा रहे हैं ऊपर बाजार वाली साइड के ऊपर, तो खुश्क ठंड देखो उसका नुकसान ही है कि जुकाम शाम फील हो रहा है। अंजल भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मेरी गजब बेइज्जती है, ये कुछ भी नहीं कहना चाह रहे, इनकी नीयत भी खराब है, इनकी शक्ल भी खराब है, ये खुद भी खराब है। तो अभी हम जाते हैं ऊपर बाजार वाली साइड पे, बाइक हमने नीचे पार्क किया, नमाज पढ़ी थी और अब हम ऊपर बाजार है यूबिया का वहाँ जाते हैं
आपने अगर नहीं देखा तो आपको वो कंप्लीट विजिट कराते हैं इंशाल्लाह। तो बस जाते हैं फिर जल्दी से भाई। ये बाजार स्टार्ट हो गया है, कुछ शॉप्स वगैरह हैं, आपको विजिट कराते हैं, अंदर से भी देख लेंगे। यूपिया में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं है, बट ये एक ही पॉइंट है जहाँ बाजार वगैरह होटल्स हैं, और वही जैसे मरी का माल रोड है उससे मिलता जुलता ही सीन है यहाँ पे भी। ये आप देख सकते हैं ऊपर हम बाजार वाली साइड पे एंटर हो चुके हैं। ये फोटोग्राफर भाई जो हैं मिले हैं, इनसे हमने कोई 6-7 पिक्चर्स बनवाई हैं, तो देख लो आईफोन लेके भी हम लोग बाहर से पिक्चर्स बनवा रहे हैं। भाई इसने नहीं बनाई, इसने एक बनाई थी जो कि बहुत घटिया थी। मैंने कहा भाई जिसका काम उसी को साचे था, आप वापस कैमरा मैन को कैमरा दे दो, तो वो बना चुके हैं। तो वो इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे पोस्ट होंगी, आप लोग इस इंस्टाग्राम के ऊपर जाके वो पिक्चर्स को देख सकते हो। और बाकी अभी यूबिया का जो बाज़ार है वो ऊपर वाली साइड पर हमने जाके एक्सप्लोर करना है, तो बस यहाँ से फ्री हो के पैसे दे के फिर हम जाते हैं ऊपर। अब हम आपको यहाँ से आगे ऑनवर्ड्स बाज़ार दिखाते हैं पूरा। तो यहाँ पे ज़्यादा गर्ल्स आइटम ही हैं, तो लड़कियाँ ही देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, हम लोगों ने तो होना नहीं है, ठीक है। तो बाकी बाजार ही बाजार है बस अभी फिलहाल, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। से यही कुछ बाज़ार था जो कि हमने कवर करना था, यही इंडिया का मेन बाज़ार है सारा। भाई ऑलमोस्ट क्लोजिंग ही है, चेयर लिफ्ट वगैरह तो नहीं चल रही, और बाकी इधर तो कुछ बचा नहीं है। किधर जाएँ अंदर भाई, अयोध्या में तो कुछ भी नहीं है यार, बर्फ़ भी नहीं थी। हम तो इस चक्कर में आए थे कि शायद कोई बर्फ़ वगैरह हुई होगी, लेकिन कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे। तो ऊपर बस अभी फ़िलहाल कुछ खास तो था नहीं, तो अभी हम दोबारा से नीचे जाते हैं। और अभी हमने एक होटल देखा हुआ था जहाँ पे हमने बाइक खड़ा किया था उसके पास ही था, वहाँ पर जाके कुछ ट्राई करते हैं। मैंने भाई साहब को ट्रीट देनी है। भाई क्या ट्रीट लेंगे, उतर आना तुम एक बार, ये कहते हैं एक बार तुम होटल में घुसो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बस अभी घुसते हैं और देखते हैं फिर भाई साहब क्या करते हैं हमारा हाल। वो तो आप जाके ही पता लगेगा कितना खर्चा करवाने का मूड है इसका। मंगाएंगे कढ़ाई, कढ़ाई भाई साहब ने कढ़ाई की डिमांड कर दी। अभी हम लोग आ चुके हैं होटल पे और यहाँ पे हम खाने लगे हैं खाना। भाई साहब ने जो है डिमांड कर दी है चिकन कढ़ाई की, और चिकन कढ़ाई हमने ऑर्डर कर दी है, साथ है हमारी रोटी छोटी। तो बस 15-20 मिनट में ऑर्डर आएगा, फिर हम खाते हैं और फिर आपको टेस्ट बताते हैं कैसे। हमारी लोकेशन चेंज हो गया है, वहाँ पे कोई फैमिली ने बैठना था तो हम यहाँ धूप पे आ गए हैं। धूप में टेबल ठीक है, खुले में खाओ याशी करो। ये हमारी चिकन कढ़ाई आई थी, प्लेट में फुल डाल ली है, अब हम खा पी के आपसे मिलते हैं। डन, और बिल के टाइम पे अभी हमारे बिल जो है, भाई साहब मैं आपको बता रहा था कि खाना हमने खा लिया, बिल तुम्हारे भाई ने पे किया है। क्यों जी, पेट्रोल तेरे भाई मजा, ने मजा आया पेट्रोल के, ले ली भाई ले ली पेट्रोल के बिल ले ली, और क्या चाहता है। अंदर क्या कर रहा है, अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तकरीबन 3:30 हो चुके हैं, और अब हमने वापस निकले हैं क्योंकि आजकल 5 बजे जो है मगरिब हो जाती है। हम टाइमली चाहते हैं कि हम नीचे पंडी वाली साइड पे उतर जाएं। और अब जो है मैंने अपनी चादर अपने बैग से निकाल ली है और टोपी भी निकाल ली है, क्योंकि सुबह भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन अब जो है भाई लेवल अप होता जा रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो मैंने कहा कि फुल कवर हो लेते हैं। तो अभी हम निकलते हैं, रास्ते के शॉर्ट्स वगैरह देखना आप लोग, एंड इंशाल्लाह इंजॉय तो आपने अभी तक किया होगा, और भी ज़्यादा कर लो भाई। अभी कुछ इस सिचुएशन में हम जा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है भाई, फिलहाल भी नहीं बन रहा, हाथ जो है ना वो इस टाइम बर्फ बन चुके हैं भाई साहब। ठंड का जो है ना वो कुछ अलग ही लेवल हो गया था, तो अभी हम बर्फ को उतरे हैं, वहाँ पे हम चाय शाय पीने के लिए होटल में बैठ गए हैं। अंजल भाई चाय पीने बैठे हो, कैसी हालत है? बस पता लग रहा कुछ भी नहीं है। गरम गरम चाय जो है वो आ चुकी है, अब हम इसको जल्दी से पीते हैं और फिर वापस निकलते हैं। तो बस भाई यही था आज के लिए, दोस्त ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है लाइफ में, तो दोस्त ही होते हैं जो आपको स्टेबल रखते हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे दोस्त बन जाओ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।